वेलकम बैक दोस्तों दोस्तों अभी अगर आप यूट्यूब देख रहे हो आप एम का कॉन्टेंट यूट्यूब पर कंज्यूम करते हो तो आप देख रहे हो कि काफ़ी कॉन्टेंट आ रहा है अबाउट द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स ऑन कैट प्रिपरेशन द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फ़ॉर कैट प्रिपरेशन लेकिन दोस्तों वो कितना ऑनेस्ट है रैंकिंग या क्या है वो मुझे नहीं पता मैंने सोचा मैं अपना ऑनेस्ट और नॉन स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड ऑनेस्ट और रियल रैंकिंग्स ऑफ बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फ़ॉर एम बी ए कैट प्रिपरेशन एंड एम बी ए आपके पास ले कर आता हूँ अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब अगर मैं आज वापस कैट लिख रहा होता और अगर मैं कोचिंग नहीं लेता और मुझे सिर्फ यूट्यूब से प्रिपेयर करना होता बुक्स खरीद के अलग से या मैं कोचिंग ले रहा हूँ लेकिन मैं कोचिंग में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा हूँ तो मैं यूट्यूब में समझ लूँ तो मैं इन यूट्यूब चैनल्स को देखता माईडिया फ्रेंड्स दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे मोस्ट वीडियोज़ आर अबाउट रियालिटी ऑफ जॉब्स रियालिटी ऑफ एम बी ए कॉलेजेस दिस वीडियो इज अबाउट द पर्दा फास्ट द रियालिटी ऑफ़ टॉप यूट्यूब चैनल्स फॉर एम बी एंड कैट प्रिपरेशन आप ये वीडियो देख लो उसके बाद आप मेरे चैनल्स जो मैं बता रहा हूँ उनको देखना फिर आप एक्चुअल में बताना कि ये रैंकिंग आपको सही लगता है या नहीं लगता है दोस्तों द नंबर वन रैंकिंग फॉर टॉप यूट्यूब चैनल्स मतलब फॉर द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर कैट प्रिपरेशन अनडिस्प्यूटेड लीडर एंड नंबर वन इज़ रोधा यूट्यूब चैनल बाई रवि प्रकाश सर रोधा जो यूट्यूब चैनल है ये अकेला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें ए टू जी मतलब जीरो से एनवे ऑफ एम का सिलेबस है अगर आप योरो का यूट्यूब चैनल अच्छे से कंज्यूम करके समझ लेते हो ना तो कैद का कंसेप्ट ऐसा एक भी नहीं होगा जो मिस होगा आपका मतलब नाइन्टी नाइन परसेंटाइज लाने तक तो आप कर ही लोगे अकेला कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है जो फ्री में ये कॉन्टेंट डाल दे एम बी ए के प्रप्रेशन का ये खाली रोदा ही है मैंने खुद आ, अपने मैं किशनगंज में हूँ तो मेरे फ्रेंड्स के भाई लोग जो एन से ग्रेजुएट्स हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है वो खुद बोलते हैं कि हम रोदा चैनल से पढ़ते हैं तो हमें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती एक बंदे ने मुझे खुद बोला है जब मैं दुकान में तक के बोला एक बंदा कैथ लिख रहा था और मेरे फ्रेंड का भाई जूनियर है और मैंने उसे बोला था ये कोचिंग ले ले पर उसने बोला सर अभिषेक भाई अभिषेक भैया मैंने रोधा में जो देखा है और सीखा है मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है अगली बार अच्छे से करूँगा तो कोचिंग ले लूँगा अभी मेरा इसी से क्वांट का तो काम हो गया मुझे क्वांट में इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है तो रोधा सर का कॉन्टेंट इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ नंबर वन यू चैनल फॉर कैद कोई कुछ भी बोले ठीक है सेकेंड बेस्ट चैनल ये है क्वांट के लिए ठीक है जनरली क्वांट ही ऐसा होता है जो लोग आ, मतलब जनरली कॉन्सेप्ट कहीं और से समझना चाहते हैं एल आर टी आई और इंग्लिश मॉक्स प्रैक्टिस करके या प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो पर क्वांट में आप बिना कॉन्सेप्ट समझे प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो सेकेंड चैनल जो है ना वो एम का चैनल नहीं है पर इसमें क्वांट अच्छे से समझाया गया है और आप इसमें क्या करना होगा आपको इसमें आपको जाके इसमें सारा आ, जो है टॉपिक्स वो तो एम का कॉन्ट नहीं होगा कैट का कॉन्ट नहीं होगा लेकिन आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे रोदा सर का चैनल देख लो या टॉपिक्स आप गूगल कर लो टॉपिक्स अगर आपको पता है जो कि सिंपल है ज्योमेट्री एल्जेब्रा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन थ्रॉबर्ट प्रोबिलिटी नंबर सिस्टम ठीक है अर्थमेटिक तो इनके वीडियोज आप एक चैनल में जो देख सकते हो जो मेरे हिसाब से सेकेंड बेस्ट चैनल है वो है खान अकेडमी खान सर नहीं खान अकेडमी ये एक इंटरनेशनल चैनल है तो इसमें इंग्लिश में समझाया हुआ ज़्यादा मतलब ऑफकोर्स चैनल है पर आप कैप्शन ऑन करके देखो इसमें इतने अच्छे से समझाया ना पॉइंट मतलब कि डिज इन इंटरनेशनल चैनल बट इसके बहुत सब्सक्राइबर्स हैं और इसमें कौन बहुत अच्छे से समझाया जाता है अगेन मैं जब मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जली यूनिवर्सिटी से एम कर रहा था और जब तक मैं वहाँ था तो स्टैट्स वहाँ पर बहुत टफ आता था स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमेट्रिक्स और वो सब भी लोग खान अकेडमी से पढ़ते थे तो मतलब ऑफकोर्स आपको वो सब नहीं पढ़ना है पर जो कैट के चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक नंबर सिस्टम ज्योमेट्री वो आप खान अकेडमी से भी कौन सीख सकते हो ठीक है ये हो गई कौन की बात अब अगर डी आई सीखना है तो उसका बेस्ट चैनल और द नंबर थ्री इन द लिस्ट इन दिस रीडिंग इज़ अ चैनल कॉल एलिच ग्रीड एलिच ग्रीड में डी आई एल आर स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजिंग बहुत अच्छे से समझाया गया है आप इसके डी आई एल आर के जो कंटेंट हैं वो तो बिल्कुल देखना लॉजिकल रीजिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि किताब में आपको सारे तरह के लॉजिकल रेजिंग नहीं मिलेंगे और जो अच्छे अच्छे लॉजिक लॉजिकल रेजिंग के क्वेश्चन आते हैं वो जनरली कैट के मॉक्स से या जैड के मॉक्स से देना पड़ता है एलिच ग्रीड में जो कॉन्टेंट है वो एक्चुअली कैट के मॉक्स के टाइप का है मतलब जो कैट बनाता है उस टाइप का स्पेसि स्पेशलील आर का कॉन्टेंट है तो आपको एल आर अगर लग ना कि कहीं समझ में नहीं आ रहा टीचर अच्छा नहीं है मेरी कोचिंग में तो एज रीड करो ये डी आई एल आर के लिए बेस्ट है ठीक है एक और चैनल जिसका काफ़ी मैंने नाम सुना है और मैंने वीडियोज़ भी देखा है इसका अभी तो अच्छे से समझाया गया है, वो है एम बी ए पाठशाला इसका भी अच्छे से इसमें कॉन्टेंट समझाया गया है और इसको मैं रैंक फोर दूंगा रैंक फाइव जो चैनल है वो एक्चुअली मेरी तरह लाइफ आफ्टर आई आई एम्स लाइफ इन बी स्कूल्स बताता है और ये एक्चुअली एक जो चैनल है वो है इन साइड आई एम इनका पहले ब्लॉग्स आते थे ये पहले टेक्स्ट बेस्ड थे तब इनका कंटेंट भी बहुत बढ़िया होता था अब वीडियो प्लेटफॉर्म है तो उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं और वो रियल लाइफ इंटरव्यूज़ मतलब करके बताते हैं तो आपको इसमें कैंपस काफ़ी दिखेंगे तो ये फिफ्थ बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से क्योंकि पर तो लोग है पर सही डिजिटल देने के लिए लाइफ इन एम बी एंड लाइफ आफ्टर एम का बहुत नॉलेज होना होता है और मैं अपना चैनल का नाम लेना नहीं चाहता इस आ, इस वीडियो में ऑफकोर्स uh, मैं अपने आप को रेट नहीं कर सकता दैट्स फॉर यू टू रेट मेरे हिसाब से फिफ्थ रैंकिंग गोज टू इन साइड आई एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ दी ऑनेस्ट रैंकिंग ऑफ बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर एम बी एंड कैट अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स में लिखो uh, श्वेता अरोड़ा का चैनल मैंने रैंक नहीं किया है टॉप फाइव टॉप सिक्स में क्योंकि उनके चैनल में आज अभी इंटर्नशिप्स और कैट uh, मतलब कैट की स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ है कैट प्रिपरेशन नहीं कराएगा आपको वो चैनल राइट तो इसलिए उसको मैंने रैंक नहीं किया हालांकि दैट इज़ कोर्स अ वेरी गुड चैनल और श्वेता अरोड़ा मेरी बहुत जी फ्रेंड भी है uh, लेकिन इसमें मैंने क्योंकि कैट प्रिपरेशन और एम लाइफ के बारे में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए इन बातों चैनल्स का नाम लिया है और श्वेता अरोड़ा के चैनल का नाम नहीं लिया ऑल द बेस्ट माई फ्रेंड्स स्टे सेफ एंड टेक केयर